भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जेब कतरे वाले बयान को लेकर बुधवार को राज्य निर्वाचन कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भाजपा नेता प्रसाद लाड और संजय उपाध्याय ने राज्य निर्वाचन अधिकारी बलदेव सिंह को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि गांधी ने आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि गांधी ने मंगलवार को यवतमाल में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ उद्योगपतियों का भोपू करार देते हुए कहा था कि उनकी रणनीति एक जेब कतरे जैसी है जो चोरी से पहले लोगों का ध्यान बांट देता है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप शिंदे ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है। बता दें कि महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों से पहले यवतमाल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री चांद और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द होने के बाद लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन किसानों और बेरोजगारी जैसे आम लोगों का द्वारा सामना नहीं किया गया है और इस मुद्दे के बारे में वो हमेशा चुप रहते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस बड़ी समस्या से कैसे बाहर निकलते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।